नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। दोस्तों, आईपीएल खत्म हो गया है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को फाइनल में गुजरात टाइटंस ने हरा दिया और इसके साथ ही गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 चैंपियन बनने का तमगा हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस ने खिताब अपने नाम किया है और ये हार्दिक पांड्या की 5वीं आईपीएल ट्रॉफी है बतौर खिलाड़ी और ये पहली आईपीएल ट्रॉफी है बतौर कप्तान। इससे पहले हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के लिए खेला करते थे और तब मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या ने 4 आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। बहरहाल, आपको आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ जॉस बटलर के बारे में। जॉस बटलर के लिए आईपीएल 2022 सबसे यादगार और शानदार सीजन रहा। काफ़ी ज़्यादा रन कूटे, 850 प्लस रन उन्होंने कूटे और उन्हें जो है ऑरेंज कैप भी मिला, लेकिन उसके साथ ही 6 ऐसे अवार्ड मिले हैं जो कि लाजवाब थे। अब 6 अवार्ड में उनको टोटल कितने पैसे मिले इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा छक्के का अवार्ड मिला है। जॉस बटलर ने इस सीज़न सबसे ज़्यादा छक्के मारे, उसके लिए 10 लाख रुपये मिले। सबसे ज़्यादा चौके मारे, उसके लिए भी 10 लाख रुपये मिले। इसके अलावा गेम चेंजर के लिए भी उनको जो है गेम चेंजर ऑफ द सीजन के लिए भी जॉस बटलर को 10 लाख रुपए मिले। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए भी उन्हें 10 लाख रुपए मिले, हो गए टोटल 40 लाख रुपए। इसके अलावा ऑरेंज कैप जीतने के लिए भी जॉस बटलर को 10 लाख रुपए मिले, अब हो गए 50 लाख रुपए। और MVP यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड जो है जॉस बटलर को ही मिला, तो हो गए 60 लाख रुपए। यानी जॉस बटलर ने आईपीएल भले ही ना जीता हो लेकिन उन्होंने 60 लाख रुपए जीता और टोटल 6 अवार्ड लेकर जो है जॉस बटलर अपने घर गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ हमारा यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।